क्या आप जानते हैं कि मेरी पहली जॉब 2006 में सत्यम कंप्यूटर्स में लगी थी। मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की। लेकिन अच्छा हुआ कि सत्यम कंप्यूटर्स को मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि 2009 में इसका इतना बड़ा स्कैम बाहर आया। 7 जनवरी 2009 को एक चिट्ठी आती है रामालिंगम राजू, जो कि कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर थे। उनका कहना था कि 7,000 करोड़ की अकाउंटिंग फ्रॉड है, जो पैसा लिखा हुआ है बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में वो एक्चुअल में है ही नहीं, इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। ये सुनकर स्टॉक मार्केट की हवा टाइट हो गई। 188 रुपए का शेयर गिर के 40 रुपए हो गया। वही शेयर अगले दिन 6 रुपए तक गिर गया। बीएसई सेंसेक्स 750 पॉइंट गिर गया एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यहाँ पे आया कहानी में ट्विस्ट। इस कंपनी के जो सारे शेयर थे उनको खरीदा महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप ने। मार्केट ने कहा वाह वाह, इस शेयर का नाम रखा महिंद्रा सत्यम। कंपनी का शेयर 6 रुपए से वापस पहुंच गया 130 रुपए, वो भी एक साल के अंदर। इससे मिलता है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग का लेसन। जिन लोगों ने दिखाया पेशेंस, उन्होंने इस केस में शायद अपने लॉस को बचाया, और कुछ लोगों ने तो शायद प्रॉफिट भी कमाया हो। सत्यम का तो सिर्फ नाम सत्यम था, लेकिन स्टॉक मार्केट का सच तो हम ही आपको बताते हैं और डिजिटल ब्लॉगर पे।